आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शाजापुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई सोच, युवा नेतृत्व और अनुशासित संगठन की दिशा में हमें चलने की आवश्यकता है और हमारा दायित्व विपक्ष की भूमिका निभाने का है, लेकिन उसमें भी वो मजबूती आए कि प्रदेश के हर बूथ से आंदोलन गूंजना चाहिए। हम सब मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी चार बार से सरकार एक तरह से नहीं बनती, और जब पिछली बार बनी वो भी बहुत कम मार्जिन से बनी, मतलब एक तरह से वो लूटी गई अलग बात है, पर हम एकदम किनारे पे थे। जब हम सब मेहनत करते हैं, सब परसेप्शन अच्छा है, बीजेपी का काम करने का तरीका तानाशाही पूर्ण हो गया है, फिर भी हम चुनाव नहीं जीतते, इसका मतलब है कि कुछ सुधार हमें भी करना चाहिए, करना पड़ेगा, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, थोड़ी युवा सोच की, एकजुटता की, अनुशासित पार्टी बनानी पड़ेगी, तब जाके शायद हम इस संकट से दूर हो पाएंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है उसकी तो बात करें, उसकी निंदा करें, उसका क्रिटिसिज्म करें, उससे लड़े, पर कुछ बदलाव हमारे में भी होने की आवश्यकता आ गई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अपना मनोस्थिति ऐसी बनाना आप लोग चालू करो कि एक ऐसा संगठन जो केडर बेस हो, जिसमें पंचायत स्तर पर हमारा संगठन सक्रिय हो, हम जितनी भागीदारी पुरुष प्रधान संगठन में उतनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं, जब हम मीटिंग करें तो जितने पुरुष आए हैं कम से कम उससे 35-40% महिलाएं भी इन मीटिंगों में आना चालू करें। क्या कारण है कि जब बदलाव होता है तो हमारी भी युवा पार्टी बने, थोड़ी नई सोच की पार्टी बने, आधुनिक टेक्निक की जो तकनीक है उसको अपनाती हुई पार्टी बने, और फिर हम जब बात करें, काम करें, और जिस दिन हमने ये दिमाग में बना लिया कि कल मध्य प्रदेश की 65,000 बूथों पे एक साथ आंदोलन होगा, तो वो आंदोलन हो जाए, तब जाके हम सोचेंगे कि हमने नया बदलाव किया है, पार्टी में नई सोच लाया है, नए संगठन बनाया है। इस तरह की मानसिकता हमें बनाना चाहिए।